जिस दिन 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी नूं आगरे की धरती के उपर अकबर की मौत हुंदी है, उहदे मरण तो बाद इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों ने धक्के दे नाल सलीम नूं राज तख्त के उपर बिठा दिता है। सलीम राज तख्त ते बैठन तो बाद अपना नां रखदा जहांगीर। जहांगीर बादशाह दे नाम दे नाल प्रसिद्ध होया। अपने पुत्र खुसरो नूं उन्हें आगरे दे किले विच नज़रबंद कर दिता है ताकि कोई बगावत ना कर सके। जिस दिन एक दिन खुसरो जिहड़ा वह कह लग्या, कहिंदा मैं अपने दादे दी पाव अकबर की समाध दे उपर फुल चढ़ाउण वास्ते जाना है, मैनूं जाण दी इजाजत दित्ती जाए। जदों वह खुसरो अपने उस महल दे विचों निकल के किले दे विचों निकल के दादे दी समाध दे उपर फुल चढ़ाउण वास्ते गया, उत्थे ने बगावत कर दित्ती। बगावत करके पंजाब वाले पासे नूं आया। रस्ते दे विच उहदे नाल दे लोक जिहड़े सन उहदे नाल मिलदे गए। बहुत सारा भारी इकट्ठ उहदे नाल जुड़ गया, पर सब तो वध नुकसान भी उस इकट्ठ ने किया। उहदे विच चोर डाकू इत्यादिक लोग भी उहदे नाल शामिल हो गए। जिधर दी खुसरो लंघदा सी उधर दी चोरियां होंदियां, डाके मारे जांदे, लुटिया जांदा, लोग दुखी हो गए। भावें कि खुसरो उन्हां नूं बहुत रोकदा सी, पर आप हुदरे हुए ओह लोग किसे दी सुन वाले नहीं सन। मगरे मगर जहांगीर बादशाह उहदा सब तो भरोसेमंद जरनैल मुर्तजा खां फड़न वास्ते आ रहा है, ते जहांगीर नूं लोग सचो सच दसदे गए कि खुसरो इधर नूं गया है, क्योंकि जिहड़े नाल चोर रले सन उन्होंने सब तो वध नुकसान खुसरो दा कर दिता सी। उन्हें गोइंदवाल साहब के पतन तो आण के दरिया पार किया, लाहौर नूं जाके घेरा पाया, 8 दिन घेरा पा छड़िया। लेकिन उस वक्त वह लाहौर के किले नूं सर नहीं कर सकिया, जित नहीं सकिया। मगर जहांगीर बादशाह आ गया, घेरा विचे छड़ के खुसरो अगे नूं भज्जिया। चनाब दरिया के कंडे के उपर जाके पकड़िया जाता है। बादशाह जहांगीर ने अपने पुत्र ते नाल जिन्हें भी लोगों ने उहदी मदद कीती सी उन्हां सारिआं नूं पकड़ के मौत की सज़ा सुनाई है। अपने पुत्र खुसरो दीआं अखां दे विच मिर्चां पा के मिर्च ते जिहड़ा है अखां नूं सीं दित्ता गया। सारिआं नूं सज़ावां दे के बादशाह जहांगीर वापस आगरे की धरती के उपर चलिया जाता है। जिहड़े इस्लाम के कट्टरपंथी लोग, जिहड़े गुरु अर्जन साहिब महाराज के घर के विरोधी लोग, उन्होंने देखिया जहांगीर नूं तख्त ते बैठिया भी किन्ना समा हो गया, पर अज तक उन्हें गुरु नानक साहब के घर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी दे विच लिखिया, बादशाह जहांगीर तेरे पुत्र खुसरो की मदद गुरु अर्जन साहब महाराज ने भी की सी। नाले गल्लां बड़ियां वधा चढ़ा के पेश कीतियां गईयां कि गुरु अर्जन साहब जी ने उहदे मत्थे ते तिलक भी लाता, उहदी आरती भी उतारी, उहनूं पैसे भी दिते। हालांकि सारे दे सारे इल्जाम बिल्कुल झूठे से। ना खुसरो गुरु अर्जन साहब जी नूं मिलिया, ना महाराज कदे किसे नूं तिलक लाउंदे आ ते ना आरतियां उतारदे आ। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी दे मत्थे तक नहीं लगा खुसरो, पर झूठी कहानी घड़ के जहांगीर दे सामने पेश कीती गई। ते जहांगीर बादशाह अपनी लिखत तुझ के जहांगीरी विच खुद भी लिखदा है कि 3-4 पीढ़ियां तो यह झूठ की दुकान बड़ी सरगर्म सी। मैं चाहुंदा सी झूठ की दुकान नूं बंद कर दिता जाए। गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं झूठ की दुकान आखदा है। फिर जहांगीर बादशाह फरमान जारी करदा है कि गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं गिरफ्तार करके जासावा सियासत कानून ला के सतगुरु का घर काट जब्त करके उन्हां नूं शहीद कर दिता जाए। मुर्तजा खान नूं यह हुक्म दिता जांदा है। जासावा सियासत कानून 1200 ईस्वी दे विच चंगेज़ खान ने बनाया सी, जिस दा भाव हुंदा है कि जे किसे महापुरश नूं मारना है ते उस महापुरश दा खून धरती ते नहीं रुड़ना चाहिदा। इस्लाम मंदा है जे किसे धर्मी पुरश दा खून धरती ते रुड़ गया, जिन्ने कतरे खून दे धरती ते रुड़नगे उन्ने होर शहीद पैदा हो जाणगे।
इसे करके खून धरती ते रुड़न की बजाय अग ते पानी दे नाल तसीहे दे दे के खून नू साड़ के खत्म कर दिता जाए। जासावा सियासत गुरु अर्जन साहब महाराज के उपर लाया गया। महाराज नू अमृतसर की धरती ते सुनेहा मिलदा है, तुहानू लाहौर की धरती ते बुलाया गया है। गुरु अर्जन साहब महाराज तीन बार लाहौर गए ने। पहली बार गुरता गद्दी ते बिराजमान होण तो पहला गए सी गुरु रामदास महाराज के हुक्म नाल। दूसरी बार जदों काल पिया 8 महीने सतगुरु लाहौर दे विच रहे, ते तीसरी बार उदों गए जदों शहादत दा जाम पीता। महाराज सिख संतां नूं नाल लैंदे आ, श्री दरबार साहब जी दे अंदर नतमस्तक हुंदे आ। भाई गुरदास साहब जी ते बाबा बुढ़ा साहब नूं हुक्म करदे आ, मेरे जाण तों बाद गुरदा गद्दी दे उपर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं विराजमान करना है। महाराज जाणदे चले हां परत के वापस नहीं आना, सिख संतां तोरन वास्ते आईयां वैराग कर दियां पईयां। महाराज ने सारियां संगतां नूं अमृतसर शहर तो बाहरों वापस मोड़ दिता। नाल सतगुरु दे पंज सिख जांदे आ लाहौर की धरती दे उपर। मुर्तजा खां गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं गिरफ्तार कर लैंदा है, वड्डी सारी एक हवेली दे विच कैद कर लिया जांदा है, जिथे जहांगीर बादशाह डरदा सी कि सच्ची कोई धर्मी फकीर ना होवे। मुर्तजा खां भी डरदा सी किते कोई करामात ना कर दिंदा होवे। इसे करके सारियां सजावां देण दे वास्ते गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं चंदू दे हवाले कर दिता गया है। चंदू सारियां सजावां देवेगा। गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं 5 दिन सख्त सजावां उस हवेली दे अंदर दित्तियां जांदियां रहियां। महाराज नूं उबलदी देग दे विच उबालिया गया है। सतगुरु दे सीस विच गर्म रेत पाई गई है। महाराज नूं तत्ती तवी दे उपर बिठाया गया है। ये खबर जदों लाहौर दियां गलियां दे विच फैली, जिहड़े गुरु अर्जन साहिब महाराज ने 8 महीने लाहौर दे विच रह के उन्हां लोगां दा दुख वंडाया होवे, ओ लोग सतगुरु नूं किवें भुल सकदे सन। उन्हां ने बड़ा जतन कीता महाराज तक पहुँच करन दा, पर किसे ने सुनी ना। ओ साई मियां मीर जी फकीर दे कोल जांदे, जाके कहिंदे साई जी असी ते उस हवेली दे विच नहीं जा सकदे, पर तुहानूं ते कोई रोक नहीं सकदा, जाओ तुसीं गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दा जाके पता लैणा करो। साई मियां मीर नूं पता लगा, दौड़े हुए आए, हवेली दे अंदर दाखल होए। महाराज दा शरीर छालियां दे नाल भरिया होया तकिया, ते उस वक्त साई मियां मीर भुब्बा मार के रोन लगे। कहन लगे महाराज तुसी इन्नी करनी वाले फकीर सतगुरु शांत चित बैठे हो, जे तुसी नहीं ते मैनू हुक्म कर दे, मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट दे नाल इट खड़का देंगा। महाराज कहन लगे साई जी ये हकूमत तपी पई है, ये महीना भी तपया होया है, आ मैनू सजावा देण वाले लोग ईरखा दी अग विच तपे होए है, पर एक धर्मी फकीर गर्म हो जावे ये गल शोभा नहीं देंदी। साई जी तुसी ते शांत हो जावो, जो कुछ गुरु अर्जन साहिब महाराज ने कहा। एक विद्वान लिखता है, चारों तरफ आग बरसे, सेक सी तन साड़दा, शालो शाली हो गया, जुस्सा सच्ची सरकार दा, साई मियां मीर डिठा, हालिया जद जारदा, ओ हो व्याकुल रोपिया, चीख ते ताही मारदा, सुन सतगुर क्या मियां, छोटो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन सड़ रहा, हम शांत है हर नाम से। साई जी ये तन सड़दा पिया है, पर मैं ते परमात्मा दे नाम दे रंग विच शांत होके बैठा हाँ। ये नाम ही एक ऐसी दात है जिहदे नाल मनुख दे अंदर शांति आ सकती, ठंड आ सकती है, नहीं तो मनुख बड़े जतन करता है। महाराज ने पावन गुरबाणी विच कहा, चंदन चंदन सरद रुत, मूल न मिटी काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। नाम ही शीतलता दिंदा है। गुरु अर्जन साहिब महाराज नूं तत्ती तवी दे उपर बिठाउण वास्ते चंदू हुक्म दिंदा पिया है, दो सिपाहियां ने सतगुरु नूं पकड़िया होया है। महाराज उस लोह वल वेख के एक गल कहिंदे, चंदू अज शहादत होनी है,
ਤੇ ਆ ਲੋਹ ਹੋਰ ਤਪਾ ਜਿੰਨਾ ਤਪਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰੰਗ ਬਣੇਗਾ ਓਨਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਕਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋ ਤਪਾਓ ਛੇਤੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਤਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਵਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੰਦੋਵਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੌਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਕਲਸ਼ ਝੁਲਦੇ, ਗਰਮ ਬਾਲੂ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪੈਰ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਔਖੀ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਵਤਾਰੀ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਈਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਈਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਡੋਲਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੰਗਿਆਰ ਜੇ ਅੱਗ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਈਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਈਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਮ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲਿਆ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ
कहिंदे अज तुहाडियां अग दियां लपटां बड़ियां उच्चियां है, अज मेरी आवाज इस हवेली दे विचों बाहर नहीं जांदी पई, पर यह सच की आवाज नूं तुसी बहुता समा दबा नहीं सकते। पुछिया क्यों, कहन लगे यह सच की आवाज तुसी मेरी आवाज नहीं दबा सके, सच की आवाज मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच धार आया हाँ, उन्हूं दुनिया दे विच कोई नहीं दबा सकेगा। मेरे तो बाद मेरे पुत्र ने शमशीर पकड़नी है, मेरे पुत्र की शमशीर भी कोई नहीं दबा सकेगा। उथे जो सतगुरु ने कहा मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतशो आहन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। मेरे तो बाद मेरे पुत्र दी शमशीर नू भी कोई नहीं रोक सकेगा। गुरु अर्जन साहब महाराज नू सख्त सजावां देण तो बाद सतगुरु शहादत दा जाम पी जांदे, ज्योति ज्योत समा जांदे। सतगुरु दा पावन शरीर जिहड़ा छालियां दे नाल भरिया होया सी, जिहड़ा अग दे नाल सड़ चुका सी, उस पावन शरीर नू रावी दे हवाले कर दिता गया। भाई रतन सिंह जी भंगू लिखते हैं कि गुरु अर्जन दरियाए नहीं रोड़िया, कहिंदे गुरु अर्जन साहिब महाराज नू दरिया दे हवाले करके पावन शरीर नू खुरद बुरद करन दा जतन किया गया। 30 मई 1606 ईस्वी का वह दिन सी गुरु अर्जन साहब महाराज शहीद हो जाते। सतगुरु नवेकले एक दुनिया के वास्ते पूरने पा के जाते ने, ता ही फिर जाके एक विद्वान लिखता है सतगुरु के शहादत के उस बीज तो बाद इनिया को जागियां शहादत हुई, उस रुख के नाल बार बार शहादत वाले रुख नूं कट्टण दा जतन किया, पर वह ना कदे मुकिया है ना मुक सकता है। थोड़े ही दिन अंदर फुल इस दे इउं खिलर जाणगे सारे संसार अंदर, कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यारे अंदर, मैं कुठूगी चमकौर दी जू सारी, टुटू तदो तो रुत बहारे अंदर, अध खिले तोड़ के टाणियां तो चिण देवेगा कोई दीवारे अंदर, बनी रहूगी सदा बहार इस तो लागे खिजा ने इस दे ढुकना नहीं, और लगी ते इन्हां ने सुकना नहीं, खून शहीदां दा मुकना नहीं। गुरु अर्जन साहब महाराज ये एक नवी शहादत की नींह रख गए, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है। कवि फैज कहिंदा है जेड़े तरीके नाल कोई शहीद होया वो शान दुनिया ते सदा सलामत रहिंदी है।